जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चों। खूब मस्ती के साथ पढ़ाई करो। रिकमेंडेशन का सिलसिला जारी है और कपिल राठौर वापस से टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 के लिए रिकमेंड हो चुके हैं। अगर आपको भी रिकमेंडेशन चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन इन होना पड़ेगा और स्क्रीन इन की शुरुआत जो है वो होती है PPDT के साथ। आज के इस PPDT में एक ऐसा पिक्चर लेकर के आया हूँ जिसको देखने के बाद उस पिक्चर को आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे, खुद से उस पिक्चर को जोड़ पाओगे, पर क्या लिखना है हो सकता है ये आपके दिमाग में ना आए। तो सबसे पहले आइए हम पिक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना ये पिक्चर जब देखा तो इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, चार लोग हैं इसके अंदर। और इसमें माता जी बच्चे को बड़ा लाड़ प्यार कर रही है, दूसरे आदमी भी आपको वहां खुशी के माहौल में दिखाई दे रहे हैं। अब किसी किसी के दिमाग में अगर नेगेटिव स्टोरी आती है तो वो ये लिख सकता है कि बच्चा अपने एग्जाम में फेल हो गया था, इसलिए माँ कह रही है कि बेटा तू चिंता मत कर, अगली बार पास हो जाना। पर अगर आपने ये स्टोरी लिखी तो डेफिनेटली आपका स्क्रीन आउट होना तय है। अब आपको स्क्रीन इन होने के लिए क्या स्टोरीज को पिक्चर को देख करके लिखना पड़ेगी। तो ये बात तो स्वाभाविक है यहाँ पर कि पेरेंट्स प्रेजिंग हिम ऑन हिज सक्सेस, उसको कहने की सफलता मिली है और सफलता पर उसके पेरेंट्स उसको प्रेस कर रहे हैं। अब मैंने इतना सब कुछ आपको बता दिया है तो अगर आपके दिमाग में कोई स्टोरी आती है तो इस वीडियो को पॉज करके अपनी स्टोरी लिखिए कि आप क्या स्टोरी लिख सकते थे और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी जरूर बताइए, सो देट हमारी इस फैमिली की बॉन्डिंग थोड़ी और मजबूत हो सके। तो प्यारे बच्चों, अब मेरे अनुसार मैं क्या पिक्चर, इस पिक्चर को देखकर क्या स्टोरी आपको बताता हूं, तो आप ऐसा कह सकते कि इस बंदे को आप 12th क्लास का स्टूडेंट भी बना सकते हैं कि 12th क्लास का स्टूडेंट था और अपने स्कूल की टीम से स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था। उस कॉम्पिटिशन के लिए शॉर्टलिस्टिंग जब इसको आ गई तो इसके पेरेंट्स ने इसको प्यार भी किया कि बेटा शाबाश, गुड, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट, पर साथ ही उसको और बेहतर तैयारी करने के लिए सलाह भी देते हैं। उस मोमेंटम को जारी रखते हुए बंदा अपने तमाम गाइड से, मेंटर से, सब लोगों से सलाह लेता है, सुबह बहुत अच्छा फिजिकल वर्कआउट करता है और अपनी टीम में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता है। जब इसकी टीम को लेकर ये जाता है, वहां पर ये खेलता है, बढ़िया अच्छा परफॉर्म करता है, इसकी टीम जीतती है और जीतने के बाद इसके परिवार में और स्कूल में आनंद का माहौल रहता है। ये एक थीम हो सकती है स्पोर्ट्स रिलेटेड, क्योंकि इसमें कहीं भी खेलकूद इस तरह से दिखाई दे नहीं रहा है, सिर्फ एक ही माहौल आपको दिख रहा है कि वहां लाड़ प्यार हुआ है। इसमें आप पढ़ाई से रिलेटेड क्या लिख सकते थे, तो पढ़ाई से रिलेटेड स्टोरी क्या हो सकती थी, आइए देखते हैं मेरी अपनी इस कहानी के अंदर। तो ये क्या कह रहा है, रोहन फाइनल ईयर MBA स्टूडेंट ऑफ ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। रोहन जो है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के MBA के फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ हिज कॉलेज मेनी कंपनीज वर अबाउट टू कम फॉर द कैंपस रिक्रूटमेंट। उसके कॉलेज के, उसके फाइनल ईयर के दौरान कई कंपनीज वहां पर आने वाली थी रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, रोहन टुक गाइडेंस फ्रॉम हिज मेंटर एंड अ प्लेसमेंट ऑफिसर। अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ द प्लेसमेंट ऑफिसर, रोहन प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोसेस। चूंकि कैंपस के लिए कंपनी आ रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि बस सूचना मिली, नोटिस बोर्ड पर नोटिस देकर जाकर के बैठ गए, नहीं, कंपनी आने वाली, तो उसने अपने मेंटर से गाइडेंस लिया, अपने प्लेसमेंट अफसर से बातचीत की, सर मुझे इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कहां अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसने अपने आप को इस प्रोसेस के लिए प्रिपेयर किया, ही सब्सक्राइब करंट अफेयर्स मैगजीन, उसने करंट अफेयर्स की मैगजीन सब्सक्राइब की एंड प्रिपेयर फॉर द ग्रुप डिस्कशन विद हिज फ्रेंड्स। क्योंकि कई सारी कंपनीज आती हैं, आजकल आपके नॉलेज को उस परखने से पहले अपनी सुटेबिलिटी के लिए ग्रुप डिस्कशन भी कराती है, तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के ग्रुप डिस्कशन किया। ही ऑल्सो रिवाइज द सिलेबस ऑफ हिज प्रीवियस सेमेस्टर्स, अपने प्रीवियस सेमेस्टर के सिलेबस को भी उसने रिवाइज कर लिया, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम में क्या था क्या नहीं था ये सब वहां पूछ लिया जाए। एंड प्रिपेयर्ड वेल व्हेन कंपनीज कम, रोहन अपीयर्ड इन द प्रोसीजर एंड सिलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड। जब कंपनीज आई तो वो फर्स्ट फेज में क्लियर करके सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाता है। सेकंड राउंड वाज पर्सनल इंटरव्यू इन विच ही परफॉर्म्ड वेल एंड फाइनली सिलेक्टेड फॉर द मैनेजर्स पोस्ट। सेकंड राउंड जो कि पर्सनल इंटरव्यू था, उस पर्सनल इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और मैनेजर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाता है। ही शेयर्ड द गुड न्यूज विद द पेरेंट्स एंड दे वर हैप्पी विद दिस प्रोग्रेस। और जब उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि सारी प्रोसीजर के दौरान वो सबसे बातचीत तो कर ही रहा था, जब फाइनल सिलेक्शन की गुड न्यूज अपने पेरेंट्स को देता है तो सब खूब खुश होते हैं। यही मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप अपने SSB की बिंदास तैयारी कीजिए, जिस तरह से इस रोहन नाम के बंदे ने अपनी पूरी प्रोसीजर को एक साथ सिस्टमेटिक करके पूरा प्लान्ड वे में अपना प्रिपरेशन किया और अपना सिलेक्शन ले लिया, उसी तरह से आप भी SSB के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। हमारा नया बैच, ऑफलाइन बैच जो है, 6th of September से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको साइकोलॉजी, GTO, IO सबके बारे में खुद गाइड करूंगा और मेरे गाइड करने के बाद फिर आपको हमारे एसर्स एसेस करेंगे और आपकी कमियां बतलाएंगे।
तो आपको यहाँ डबल फायदा होने वाला है। सीट्स लिमिटेड है, इन सीट्स को लिमिटेड सीट्स के साथ में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको हमारा जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना सीट आज ही बुक कराइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।